दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल अजीज मैथ टीचिंग में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है कि एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों एक मिनट के बारे में यानी कि हमारे यहाँ पर सप्ताह में कितने मिनट होते हैं उसके बारे में जानना है। दोस्तों एक दिन क्या होता है 24 घंटे के बराबर होता है और एक घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो पूरे हमें एक सप्ताह का निकालना है कि कितना मिनट होगा। तो कैसे हम निकालेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना होगा एक सप्ताह में मिनट। तो पहले दोस्तों लिख लेते हैं सप्ताह मिनट के अच्छे से पहले क्वेश्चन की तरह। तो एक सप्ताह बराबर क्वेश्चन मार्क मिनट, ये हमारा सवाल है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं वो लिखेंगे, बाई बाई पहले पूरा पॉइंट लिख लेंगे फिर हल करेंगे। तो एक सप्ताह बराबर 7 दिन होते हैं, कितना होता है 7 दिन होता है। और उसके बाद एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, एक घंटा बराबर 60 मिनट। तो अब देखिए अब करना क्या होगा, हमें एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो इसको हम क्या निकाल सकते हैं, इसको अगर हम एक दिन का निकाल ले तो हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर हम 7 दिन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एक दिन का निकालते हैं। तो एक दिन में कितने मिनट होंगे वो निकालेंगे। तो पहले एक दिन में कितने दिन होते हैं, अरे घंटे सॉरी, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं जो कि घड़ी में आप लोग देखते होंगे कि सुबह से शाम तक, रात से फिर सुबह तक रहता है, जो कि 12-12 से 24 घंटा बनता है, तब जाकर एक दिन होता है पूरा एक दिन रात मिलकर। एक दिन में 24 घंटा होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस घंटा को हम मिनट में पहले बदलेंगे, क्योंकि जब एक दिन में हम अगर मिनट पता लग जाए तो 7 दिन का भी हम पता लगा सकते हैं। तो इसको देखिए 24 घंटों को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में क्या हो जाएगा 24×60 मिनट। एक घंटा वाला मात्रा मिनट में बदल गया। अब गुणा कीजिएगा, 24×60 करेंगे कितना हो जाएगा, 6×6=24, 4×8=2, 6×2=12, 2×14 लास्ट वाला 0 लगा देंगे यानी कितना हो जाएगा 1440 मिनट। ये क्या हो गया हमारा, एक दिन में मिनट कितने होते हैं वो हमें पता लग गया है। अब देखिए हमें इतना पता हो गया तो हमें निकालना है 7 दिन का, तो कैसे निकालेंगे बहुत सरल है, देखिए इसी में हम कर देते हैं। 7 दिन, एक दिन में 1440 मिनट, तो 7 दिन में क्या हो जाएगा 7×1440 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं गुणा, 7×1440 का गुणा हो तो क्या हो जाएगा, देखो 7×28=8, 8×2 ठीक, फिर 7×28, 2×30=0, 8×3 7×7=3, 10 लास्ट में ये 0 लगा देंगे कितना हो जाएगा 10,080 मिनट। ये हो गया हमारा एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं उसकी मात्रा। इसको हमने कैसे निकाला आपके सामने मैंने बता दिया कि पहले एक सप्ताह में जितने दिन हैं तो वो हमने लिख लिया, उसके बाद एक दिन में जितने मिनट होते हैं वो हमने निकाल लिया, उसके बाद हमने 7 दिन में गुणा कर एक दिन का जो मिनट होता है वो गुणा कर दिया हमने, तो हमारा निकल गया मिनट एक सप्ताह में। इसी तरीके से आपको एक सप्ताह के बारे में दिया है, अगर यहीं पर अगर हमें 10 दिन का होता या फिर एक महीने जो कि 30 दिन का होता है या फिर 31 या फिर 28 तो उसका भी निकालना होता तो सिर्फ इसी की जगह एक दिन का मिनट निकाल कर दिनों की संख्या यहाँ पर लिख कर गुणा कर देंगे, हमारा आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो दोस्तों अगर पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार वीडियो मेरे देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों जाइए कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछिए, मैं आपको सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।